आखिरकार देश को उसका पहला लोकपाल मिल ही गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने लोकपाल नियुक्त करने का फैसला कर लिया है। विपक्ष भले ही इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय का दबाव बताए, लेकिन सच यही है कि मोदी सरकार ने विपक्ष से ऐन वक्त में बड़ा मुद्दा छीन लिया है। जस्टिस पीसी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त कर मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। भले ही मोदी सरकार को लोकपाल नियुक्त करने में 5 साल का समय लग गया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस पद पर सेवानिवृत्त जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति को सरकार के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस पीसी घोष को मानवाधिकार कानूनों पे उनकी बेहतरीन समझ और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। जस्टिस घोष उच्चतम न्यायालय के जज रह चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। अपने दिए गए फैसलों में मानवाधिकारों की रक्षा की बात बार बार करने वाले घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, पीसी घोष उस वक्त पूरे देश में चर्चा का कारण बन गए थे जब उन्होंने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता की करीबी शशिकला को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाई थी। घोष ने अयोध्या मामले में भी जस्टिस रोहिंगटन के साथ निचली अदालत को बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। एक और बेहद अहम फैसले में जस्टिस राधा कृष्णन के साथ पीठ में रहते हुए उन्होंने जलीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ जैसी परंपराओं को पशु के प्रति क्रूरता मानते हुए उन पर रोक लगाई थी। घोष अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के फैसले को पलटते हुए वहां पहले की स्थिति को बहाल करने वाली संविधान पीठ में भी शामिल रहे। इसके साथ ही सरकारी विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश तय करने वाली बेंच के भी वे सदस्य थे। वहीं देश के पहले लोकपाल पीसी घोष की नियुक्ति के बाद समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी खुशी जताई है। गौरतलब है कि समाज सेवी अन्ना हजारे ने पिछले 9 साल में लोकपाल की नियुक्ति किए जाने को लेकर कई आंदोलन किए हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।